Gujarat and you are watching NK Media. Hey students, today we are going to discuss about exercise 14.2 introduction. Means 14.2 में हम कुछ ऐसे terms और terminology पढ़ेंगे जो exercise 14.2 के लिए useful होगा. इसे हम बहुत ही easy way में solution को कर सकेंगे. उससे पहले मैं बताना चाहूंगी that 14.1 introduction plus solution हम कर चुके हैं. Okay? जिसमें हमने studies की about mean. Means average. Average means mean of the means mean of central tendency of a data. Okay, central tendency of a data के हमने mean part पढ़ चुके हैं. Okay, you know total three parts होते हैं. Central tendency of a data तीन तरह के होते हैं. Okay, mean, mode and median. Mean हम कर चुके हैं. इस वीडियो में हम करेंगे mode. Okay, so बच्चों let's know mode किसे कहते हैं. Okay, mode means what? क्लास 9 में हम क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं मोड मींस व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड किसी ऑब्जर्वेशन की वह वैल्यू जो बार-बार आती हो ओके द वैल्यू व्हिच कम्स अगेन एंड अगेन ओके जो ऑब्जर्वेशन बार-बार आती है मींस किसी डेटा की ऑब्जर्वेशन जो बार-बार आता है दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा ओके द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है जो बहुत बार आता है ओके सबसे ज्यादा बार आता है दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा राइट और ग्रुप डेटा के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ओके हाउ टू फाइंड मोड फॉर अनग्रुप डेटा ओके मोड फॉर अनग्रुप डेटा यू नो फॉर जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल थ्रू हम समझते हैं सपोज दैट एक कोई स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स है राइट 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 मार्क्स मींस 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आउट ऑफ 10 ओके ओके 10 में से 8 4 5 8 7 10 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या दिस इज ओके हमें फाइंड आउट करने हैं मोड ऑफ दिस डेटा ओके इस ऑब्जर्वेशन की मोड क्या होगी व्हाट विल बी द मोड ऑफ दिस डेटा ओके एज आई टोल्ड यू दैट मोड और मीडियन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऑब्जर्वेशन को अरेंज करेंगे उसके बाद बीच जो वैल्यू आएगी जो बहुत बार आती है उस वैल्यू को हम कहेंगे मोड ऑफ द डेटा राइट सो हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करते हैं Like this, small to big, छोटे से बड़े सबसे smallest क्या है इसमें by arranging in ascending order, small to big order में arrange करने पर हमें क्या मिल जाएगा सबसे smallest क्या है 4, then 5 two times, then 6 one time. 7 1 time 8 1 2 3 1 2 3 then 9 कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 something is missing yeah 10 this is 10 now अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर हम इसे ध्यान से देखें then we will see हम यहां देखेंगे कि you know what 8 is getting repeated many times 8 को हम बहुत बार रिपीट करते हैं मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज हाई मींस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 8 की है सो वी विल से हियर दैट मोड ऑफ दिस डेटा इक्वल टू व्हाट मोड ऑफ डेटा इक्वल्स टू 8 इस ऑब्जर्वेशन में इस डेटा में ओके इस डेटा में हमें मोड मिल जाती है 8 ओके इस डेटा की मोड क्या है बच्चों 8 सो हम कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट होती है मेनी टाइम्स रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा यहाँ पे हमने देखा कि 8 सबसे ज्यादा बार आया है मेनी टाइम्स सो मोड इक्वल्स टू 8 यहाँ पे मोड क्या हो जाती है 8 अंडरस्टूड आया समझ में बट ये थी मोड अबाउट अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा में हम कैसे मोड और मोड निकालते हैं ये हम तो सीख लिया है क्लास 9 में भी अनग्रुप डेटा और मैंने भी एग्जांपल के थ्रू भी आपको कन्विंस कर दिया है नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्योंकि हमें क्लास 10 में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने हैं सो हम अब स्टडी करेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा चलिए नाउ लेट्स नो हाउ टू फाइंड मोड फॉर ग्रुप डेटा
ओके अनग्रुप डेटा हम कर चुके हैं, मोड कैसे फॉलो करते हैं इफ द डेटा इज अनग्रुप, लेकिन जब डेटा हमारा ग्रुप्ड हो ओके हम कैसे फॉलो करेंगे, मोड कैसे फॉलो करेंगे, चलिए मेरे साथ बच्चों बहुत इजी है ये भी। मोड फॉर ग्रुप डेटा सपोज दैट ये एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 ओके कि एग्जांपल नंबर 5 है मीन चैप्टर 14 के एग्जांपल नंबर 5 है, ये कहती है यू नो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एक ओके अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो 20 हाउसेस मींस 20 घरों पे ओके ये क्या करते हैं सर्वे करते हैं जाकर पूछते हैं ओके कि आपके यहां कितने फैमिली मेंबर्स हैं ओके 20 हाउसेस पर सर्वे होती है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के थ्रू ओके और ये सर्वे से आउटकम ये निकल कर आता है। अब देख सकते हैं ये आउटकम है ओके कि कौन से यू नो कितने हाउसेस में कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर फैमिली साइज है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज है 1 2 3 फैमिली साइज 1 2 3 मेंबर वाले मींस कितने 1 2 3 फैमिली मेंबर्स वाले कितने हैं फैमिलीज 7 3 to 5 मेंबर्स वाले कितनी फैमिलीज है 8 5 to 7 members वाले कितनी family है 2 7 to 9 members वाले कितनी family है 2 9 to 11 members वाले कितनी family है 1 okay survey you know जब survey बच्चे करते हैं 20 household पे तो 20 house किसी locality के 20 household पे survey होती है तो survey के through ये outcome निकल कर आता है कि कितने houses में कितने family members रहते हैं right now you know अब हमें निकालने हैं mode we have to find mode of this data hamein is data ki help se ki mode nikale kaise mode nikale bachcho mode nikalne ke liye hamare paas formula hai you know this is mode equals to a plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h jahan pe a ko hum denote karte hain lower limit h ko denote karte hain class size se aur f1 karte hain frequency of modal class F not frequency of class preceding modal class, F two frequency of class succeeding modal class. ये सब को हम समझेंगे एक-एक करके। सबसे पहले means हमें use करने हैं ये formula. Mode फॉलोअप करने के लिए हमें use करना होगा ये formula. उससे पहले हमें जानना होगा कि modal class किसे कहते हैं। Modal class means the class having maximum number of frequency. Okay? Modal class means क्या? Modal class किसे कहते हैं? Modal class means class having maximum number of frequency. Modal class means class having maximum number of frequency. Maximum number of frequency. Okay. Modal class किसे कहते हैं? Okay. वह class जिसमें सबसे ज्यादा frequency हो, maximum number of frequency जिसकी सबसे ज्यादा हो, that is called modal class. हम यहाँ पे देख सकते हैं. को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है यू कैन सी हियर 7 8 2 2 कौन सी क्लास है कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है ये क्लास है ना 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 टू 11 कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है हमने देखा इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 3 to 5 क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है राइट सो वी विल सी हियर ओके ये हमारी मोडल क्लास है This is called modal class. इसे हम कहेंगे modal class. जिसकी जिस class की frequency सबसे ज़्यादा होती है उसे कहते हैं modal class, right? और ये क्या हो गई frequency? जिसे हम denote करेंगे f1. This is f1, okay? और just you know f1 से पहले जो होती है, okay? f1 से पहले वाली modal class की जो frequency होती है that is called f0, right? F1 से पहले means वह modal class जिसकी जिसकी frequency highest होती है ओके उसे हम डिनोट करते हैं f1 से और यू नो f1 से पहले वाले मोडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं f0 ओके ये फ्रीक्वेंसी f1 है ये मोडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है राइट और मोडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं f0 और मोडल क्लास से बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं f2 अंडरस्टूड आई बात समझ में f1 किसे कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी जिस मोडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी उसे हम कहेंगे f1 और उस क्लास को कहेंगे मोडल क्लास और f1 से एक पहले वाली जो क्लास होती है उसे हम कहते हैं f0 और f1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है ओके जस्ट आफ्टर सक्सीडिंग जस्ट सक्सीडिंग क्लास सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड f2 और यू नो व्हाट इस मोडल क्लास की जो लिमिट है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट
सो इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट. थ्री को क्या कहेंगे? लोअर लिमिट. इसे रिप्रेजेंट करेंगे लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट, राइट. दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, राइट. अब यू नो लेट्स नो एज किसे कहते हैं. व्हाट इज एज? एज मीन्स क्लास साइज. एज मीन्स क्या होता है? क्लास साइज. ये क्लास साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लास साइज मीन्स व्हाट? यू नो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2. मीन्स क्लास साइज कितनी है? 2. क्लास साइज हमारी यहाँ पे कितनी है? 2. और क्लास साइज कहते किसे है? यू नो देन क्लास साइज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे. जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे देन वी विल गेट, तब हमें मिल जाती है एज, क्लास साइज. अपर लिमिट कितनी है? 5. लोअर लिमिट कितनी है? 3. 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिलेगी? 2. सो क्लास साइज यहाँ पे कितनी है? 2. अंडरस्टूड? नाउ आई होप यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी. वेरी क्लियर. यू नो ये ग्रुप डेटा है, हमें फॉलोअप करनी है मोडल क्लास. मोडल क्लास मीन्स हमें फॉलोअप करनी है मोड. मोड फॉलोअप करने से पहले हमें जानना होगा कि मोडल क्लास है क्या. ओके कौन सा मोडल क्लास है? क्योंकि मोडल क्लास से ही हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी और फ्रीक्वेंसी से एक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ नॉट और फ्रीक्वेंसी की जस्ट सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ टू. ओके और मोडल क्लासेस की लोअर लिमिट को कहते हैं एल, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और यू नो क्लास साइज किसे कहते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके देखेंगे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी क्लास साइज. ये सारे हो गए और ये फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन. मोड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच. अंडरस्टूड? यहां तक बात आई समझ में? यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, राइट. नाउ अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं. गेटिंग? ये मैं इसे रद्द कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट, राइट. और मैं करती हूँ इसे सोल्व, राइट. कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली वैल्यूज को पुट करते हुए चलना है. You can see here. L. Lower limit कितनी है इसमें? 3. Plus. F1 कितनी है? 8. Minus. F0 कितनी है? 7. Divided by. 2F1. 2 into F1. F1 कितनी है? 8. Minus. F0. F0 कितनी है? 7. Minus. F2. F2 कितनी है? F2 कितनी है? 2. And this into age. और age कितनी है? Class size कितनी है? 5 में से 3 minus करेंगे क्या आएगा? 2. So age कितनी है? 2. सबसे पहले हम under bracket वाले करेंगे 3 plus 8 minus 7 1. 2 8 जा 16 minus minus 7 and minus 2 what will be? Minus 9 into 2. Now 3 plus 1 by 16 में से 9 माइनस करेंगे, हम 16 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा? 7 इंटू 2. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे फर्दर. यू कैन सी हियर 3 प्लस 1 बाय 7 इंटू 2, सो 2 1 जा 2. वी विल डू 3 प्लस 2 1 जा 2, 2 बाय 7. देन 3 प्लस, यू नो 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, वी विल गेट हियर 0.5. 7, 7, 3, 7, 2 is 14, 10 minus 4, 6, then 7, 8 is 56, 10 minus 6, 4, then 7, 5 is 35, 10 minus 5, 5, 7, 7 is 49. क्या मिलती है वैल्यू हमें? 0.2857, ओके? 2857. बट बच्चों यू नो डेसिमल प्लेसेस के 3 डिजिट के बाद, मींस डेसिमल प्लेसेस के 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हम 3 डिजिट को ही जनरली लेते हैं, राइट. इसीलिए इससे पहले हम देखेंगे 3 डिजिट से पहले देखेंगे, मींस बाद में देखेंगे यहां पे कि यूनिट प्लेस जो है मींस 3 डिजिट
थ्री डीज के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है, सेवन है, इट इज मोर देन फाइव, फाइव से ज्यादा है। जब ये फाइव से ज्यादा है तो हम राउंड ऑफ करेंगे इसे, थ्री प्लस 0.28, ये फाइव है ना, जब हम ये फाइव से ज्यादा हो या फाइव के बराबर हो देन यूनिट प्लेस, अगर फाइव से ज्यादा हो या फाइव हो देन दिस टेन प्लेस विल चेंज इनटू सिक्स, क्योंकि इसमें वन हम ऐड कर देते हैं, 0.286। जब हम 3 प्लस 0.286 में मींस 3 और 0.286 को ऐड करेंगे, 3.55 0.286 क्या मिल जाएगी, 682 3.286 क्या मिलेगी वैल्यू हमें, 3.286 वी विल गेट 3.286 सो 3.286 दिस इज द मोड ऑफ दिस डेटा, सो मोड इक्वल्स टू 3.286। क्वेश्चन कह रहा है 3 to 5, 3 to 5 के बीच की जो हमें मोड निकालनी है, इसमें हमारी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, किसी भी फैमिलीज में, मींस किसी फैमिली साइज 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन हमें मीड निकालनी है, बीच की निकालनी है, ओके, सो इट विल बी करेक्ट हियर 3.286। सो ये मोड है जो सेंट्रल टेंडेंसी है, बीच की वैल्यू हमें देती है, सो द आंसर इज 3.286, दिस इज द मोड ऑफ दिस डेटा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली।